पता कहाँ कहाँ से लिया के रख दिए ना, ये कुछ मिल पे नहीं करेगा। मैं करवा कहाँ है कृष्णा, चालू भी कर दिए। कहाँ है इसमें काला मकान? एक ठो एक ठो चलिए, आज हम लोग देखेंगे। कल हम बोले थे कि चैप्टर में 3 चैप्टर हम लोग का पूरा खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 3 का जितना भी पढ़ाना था वो हम लोग पढ़ लिए। अब आप लोग चैप्टर नंबर 3 का हर एक्सरसाइज से कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन कम से कम रैंडमली उठा के बनाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग का टेस्ट के रूप में 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2, 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3, 3.4 से क्वेश्चन नंबर 4, 3.5 से क्वेश्चन नंबर 5 और 3.6 से 1 का 6। ये आप लोग के पास इतना टेस्ट के लिए होमवर्क है, ठीक है। इतना आप रैंडमली बनाइएगा और उसमें से जो बने से ठीक है, नहीं बने उसका देखा जाएगा उसको। आज हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे साइंस थोड़ा, क्योंकि हम पिछले दिन बहुत कोई डिमांड कर रहे थे कि सर साइंस का पढ़ाई होगा कि नहीं होगा कि नहीं, तो हम बोले थे हाँ जी साइंस का पढ़ाई होगा। तो आज हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस से हमारे फिजिक्स स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करने का मतलब है फिजिक्स में आप लोगों का कोई भी चैप्टर है उससे हमको मतलब नहीं। फिलहाल हम यहाँ पर फिजिक्स में शुरू करने जा रहे हैं, वो चैप्टर है आप लोगों का लाइट, जिसको हिंदी में प्रकाश कहते हैं, हिंदी में प्रकाश कहते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे यही लाइट चैप्टर यहाँ, और लाइट चैप्टर ही हम लोग शुरू करके और आगे की ओर बढ़ेंगे। और ये साइंस का जो लाइट है, इस लाइट चैप्टर से आप लोगों को एग्जाम में कम से कम 4-5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा लाइट चैप्टर, सिर्फ इस चैप्टर से। एक तो 2 मार्क्स का आता है, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो रे डायग्राम खींचने का आएगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा आपको एक तो 3 नंबर का आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, वो भी लाइट से ही आएगा। और उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन जो आएगा एक तो वो 5 नंबर वाला में हो सकता है कि वो लाइट से ही रहे, एक क्वेश्चन उसमें जरूर आता है। तो अगर उस तरह का सबको मिला देते हैं तो 5-3-8 नंबर का क्वेश्चन आपको लाइट चैप्टर से आ सकता है। तो आज हम लोग वही लाइट शुरू करेंगे कि लाइट क्या है और इसमें कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि लाइट होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है मेरे पास वो होता है कि लाइट है क्या, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है मेरे पास। तो प्रकाश क्या है का जो क्वेश्चन का आंसर हम लोग देना चाहते हैं, कोई पूछे कि प्रकाश क्या है तो आपका कुछ बोलने का वहां पर नहीं बन जाता है, चुपचाप हो जाता है। प्रकाश से हमको सब चीज दिखता है वो हम लोग कह सकते हैं। प्रकाश क्या है तो यह एक ऊर्जा का रूप है जो यह एक ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। यह एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमें मदद करती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है प्रकाश से। प्रकाश के बारे में कहीं भी बात करेंगे तो यह एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं को देखने में मदद करती है। साथ ही यह पूरे सौर मंडल को ऊर्जा प्रदान करती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी पर क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत
स्रोत सूर्य है और इसी को हम लोग अलग अलग रूप में बदलते हैं। जैसे प्रकाश ऊर्जा आया तो प्रकाश ऊर्जा से हम लोग ऊष्मा ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा से हम लोग न जाने कितने सारे ऊर्जा को बदल सकते हैं, बहुत सारा फॉर्म आ सकता है। ऊष्मा ऊर्जा को भी हम लोग बहुत सारे रूपों में बदल सकते हैं, बहुत सारे चीज आ सकता है। मतलब प्रकाश ऊर्जा से ही हमारे बाकी के सारे ऊर्जाओं का रूप होता है, ठीक है। यही मेरे पास सबसे मेन है प्रकाश ऊर्जा, वो सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मेन चीज हमारे पास यही है, सूर्य का प्रकाश। इसी से हम लोग अलग अलग तरह के ऊर्जा के रूप में इसको बांटते हैं और पढ़ते हैं। तो हम लोग बस खैर ऊर्जा के बारे में भी यहाँ पर नहीं पढ़ना है, यहाँ हम लोग सूर्य का प्रकाश से दिखाई देने वाले चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग दर्पण का बात करेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोग लेंस का बात करेंगे, मिरर का, लेंस का, ये सब चीजों का बात हम लोग इसमें करेंगे इस चैप्टर में। तो हम शुरुआत करते हैं प्रकाश में। अब प्रकाश का सबसे पहला जो आता है मेरे पास बिंदु, वो है कि प्रकाश से हमें कोई चीज दिखाई कैसे देता है। जैसे देखने के लिए हमें क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो देखने के लिए आवश्यक सामग्री लिखते हैं, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए। तो हमें देखने के लिए जो है सो मुख्य रूप से तीन चीज चाहिए, सबसे पहले प्रकाश, उसके बाद आंख, और सबसे लास्ट में जिसे देखेंगे। वस्तु रहे नहीं करे तो देखेंगे किसके, ब्रह्मांड में हम जाते हैं प्रकाश भी है और हमारे पास आंख भी है, लेकिन कोई चीज हमको मिला नहीं तो हम देखेंगे कौन चीज को। तो इसके ब्रह्मांड का रंग हमको कहां कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। ब्रह्मांड का रंग ब्रह्मांड से काला दिखता है। अगर हम लोग अंतरिक्ष यान से जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें वो जो है सो काला रंग का दिखाई देता है, जैसे ब्रह्मांड के काला दिखता है। लेकिन हम जब जमीन से देखते हैं तो जमीन से जो आकाश होता है हमको वो नीला रंग का दिखता है, ठीक है। तो क्यों नीला रंग का दिखा, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है, वायुमंडल में प्रकाश की किरणें छिटाती है, जिसके कारण हम लोगों को वो काम होता है, मतलब दिखता है नीले रंग का, नीले रंग का होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के बारे में कि ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में कोई वायुमंडल है ही नहीं, और जब वायुमंडल है ही नहीं तो वहां पर कोई चीज दिखेगा नहीं, और जब दिखेगा नहीं तो ब्रह्मांड हमको कैसा दिखेगा, काले रंग का, ठीक है। इसके ब्रह्मांड हमको काला दिखता है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि ब्रह्मांड का रंग कैसा दिखेगा ब्रह्मांड से देखने पर, तो वो काला दिखता है। और काला क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पर कोई चीज नहीं है जिसे हम देख सके, जिससे प्रकाश टकरा सके। अगर टकराने का कोई चीज नहीं तो हमें प्रकाश जो आकाश जो है सो काला ही दिखेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई चीज हमें दिखता कैसे है, ये तीन चीजों की। अब दिखाई प्रकाश के मदद से हम किसी चीज को देखते कैसे हैं, सबसे पहला चीज देखिए, ये वस्तु है, कोई वस्तु है, इसको हमको देखना है। यहां से टॉर्च मारे, सपोज करते हैं यहां से हम टॉर्च मार रहे हैं, लाइट इस पर गिरा, इस पर गिरने के बाद लाइट इससे टकरा करके वापस होता है और वापस हमारे आंखों तक जाता है। जब किसी प्रकाश के स्रोत से, प्रकाश स्रोत से वस्तु टकरा कर हमारे आंखों तक आती है, तब जाकर के वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। वस्तु को दिखने के लिए टकरा करके वापस आना बहुत जरूरी है प्रकाश को। इस घटना को जिसमें प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस होती है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन, परावर्तन, इसी का नाम परावर्तन। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में इसका नाम हो गया रिफ्लेक्शन, परावर्तन या रिफ्लेक्शन। हम लोग का शुरुआत जो है चैप्टर का वो यहीं से होगा, रिफ्लेक्शन से। यहां तक समझ में आया सबको, समझ में आ गया तो वाई लिख करके डालिए उसमें। कोई पूछे परावर्तन क्या है तो आपका सीधा आंसर होगा वह घटना जिसमें प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस आती है उसे परावर्तन कहते हैं, उसे परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन हुआ क्या हुआ, प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा करके वापस आने की घटना।
यह एक घटना है जो घटित होती है प्रकृति में और हमेशा घटित होते रहती है। तो हम लोग के पास ये प्रकाश है। अब परावर्तन क्या होता है हम लोग जान गए हैं। तो परावर्तन का कुछ नियम होता है, परावर्तन कितने तरह का होता है, परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। पहले आते हैं परावर्तन कितने तरह का होता है, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन जो है सो दो तरह का होता है, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर और डिफ्यूज। इसको हम लोग कहते हैं सामान्य परावर्तन, सामान्य परावर्तन। और ये होता है हमारे पास विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। अब दोनों के एग्जांपल में आते हैं। जैसे एक आईना लिए, यहां पर आईना लिए, और आईना पर जब हम लोग टॉर्च मारते हैं, जब टॉर्च मारते हैं यहां से, तो लाइट यहां जाता है और यहां से टकरा के आप देखिएगा यहां पर एकदम चमचमाता हुआ एक ठो गोल बिंदु आपको दिखेगा, लाइट का पूरा एकदम चमचमाता हुआ दिखेगा। इस तरह का परावर्तन जो किसी खास पॉइंट से सीधा हो जाए, एकदम पूरा का पूरा प्रकाश एक ही पॉइंट से वापस आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं सामान्य परावर्तन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यही काम जब हम लोग इसमें करते हैं, जैसे एक दीवार ली है, दीवार ऐसा होता है जो रुखड़ा सतह होता है, रुखड़ा सतह, जबकि ये जो होता है ये दर्पण लिए हैं, और दर्पण जो होता है चिकनी सतह होता है। चिकनी सतह से होने वाला परावर्तन को हम सामान्य परावर्तन कहते हैं, और जबकि जब रुखड़ा सतह से होता है तो लाइट क्या होता है कि ये बिंदु बिंदु बहुत सारे गड्ढे गड्ढे होते हैं दीवार वाल में, तो यहाँ पर कोई प्रकाश टकरा के इधर मुड़ा तो प्रकाश का दूसरा लाइन जो आएगा वो टकरा करके उधर चला गया, ये अगला आया जो टकरा करके इधर चला गया, इस तरह से। और इसमें क्या होगा कि जितनी भी प्रकाश आएगी सब टकरा करके वापस एक ही जगह पर पड़ेगी, इस तरह का एक ही जगह पर। इसको इसीलिए रेगुलर कहते हैं, डिफ्यूज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टकरा करके सभी जगह वापस वापस बढ़ जाती है, टकरा करके कुछ इधर इस तरह से मुड़ जाती है जैसे तैसे। तो इस तरह की इससे क्या होता है कि टकरा करके जो गड्ढा होता है, जैसे ये मान लेते हैं गड्ढा है, तो कोई लाइट जो आया एक तो लाइट मारे टॉर्च तो यहाँ पड़ा तो वो टकरा के इधर आ जाएगा, यही लाइट अगर यहाँ पड़ा यहाँ तो वो टकरा करके वापस चला जाएगा, जो यहाँ पड़ेगा वो वापस उसी रास्ते में आ जाएगा। तो इस तरह का काम जो होता है टकरा करके जिधर जिधर चल जाता है वो ये गड्ढे के कारण होता है, क्योंकि गड्ढे का शेप जो होता है सो सीधा नहीं होता, अलग अलग तरह का शेप होता है, और इससे लाइट टकराने के बाद छितरा जाता है, और छितरा करके पूरे के पूरे इसे किसी रूम से दीवार से टकराएगा लाइट तो पूरा रूम में लाइट आएगा, ऐसा कहीं एक जगह लाइट नहीं मिलेगा हमको। जैसे टॉर्च आईना में होता है कि एक पॉइंट पे लाइट मिलता है, इसमें एक पॉइंट पे नहीं मिलके पूरा रूम में आपको इंजवाला हो जाएगा कुछ ना कुछ, और इस कारण से जब पूरा रूम में इंजवाला आ जाएगा रोशनी बढ़ जाएगी प्रकाश, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं विसरित परावर्तन। दिख तो रहा है साफ साफ है फिलहाल, जब समझाएंगे हम तो बोर्ड पर ही समझाएंगे, वो थोड़ा चीज तो छिपेगा, और फिर समझा के हट जाएंगे तो कुछ चीज तो आपको सब बाकी चीज सब साफ साफ दिखने लगेगा। तो इस तरह का सामान्य परावर्तन ये हुआ, अब इसी परावर्तन ये हुआ। मेरे पास दो तरह का परावर्तन होता है, परावर्तन का नाम याद रखिएगा सामान्य विसरित, सामान्य सीधा दर्पण वाला हुआ। सामान्य परावर्तन हुआ, विसरित परावर्तन हुआ, दोनों तरह का परावर्तन समझ में आ गया सबको। सामान्य परावर्तन मतलब दर्पण से, जबकि विसरित परावर्तन का मतलब दीवार से, रुखड़ी सतह से, चिकनी सतह से सामान्य परावर्तन, और रुखड़ी सतह से विसरित परावर्तन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया, चित्र आपको साफ साफ दिख रहा है, समझ में आ गया तो वही लिख के डालते जाइए। अब आते हैं परावर्तन के नियम, सीधा परावर्तन के प्रकार। अब आते हैं परावर्तन के नियम में, जब हम परावर्तन के नियम में आते हैं तो परावर्तन का नियम क्या है,
का नियम क्या है, जब नियम में काम करते हैं हम लोग तो परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम, नियम नंबर एक कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये आपतन कोण और परावर्तन कोण होता क्या है, देखिए जैसे ये एक सरफेस है, मान लेते हैं आईना ही है, आईना पर इधर से हम टॉर्च मारेंगे तो लाइट जाएगा यहाँ पर गिरा, यहाँ से फिर लाइट वापस चला जाएगा जिधर से आ रही, इस तरह का एरो जिधर जा रही उसमें बाहर जाते हुए एरो का चिन्ह दे देंगे इस तरह का। अब यहाँ पर जो आईना है, इस आईना पर एक लंब खींचेंगे जो है 90 डिग्री बनाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, इसका नाम है अभिलंब, अभिलंब। ये जो किरण है जो गिरती है आपतित होती, पतित का मतलब गिरना, तो आ करके पतित होती है, इसका नाम है आपतित किरण। और ये जो वापस जाती है टकरा करके वापस जा रही है, इसका नाम हो जाता है परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंसिडेंट रे और इसको रिफ्लेक्टिव रे, इसको कहते हैं नॉर्मल, इंग्लिश में नॉर्मल। तो आपतित किरण अभिलंब नॉर्मल से, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, जिसको हम लोग अंग्रेजी का छोटा वाला आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका नाम इंसिडेंट रे से बन रहा है, इसका नाम हो गया इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट ही लिख देते हैं, इंसिडेंट एंगल, ऐसे इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। और यहाँ पर जो बनता है परावर्तित किरण के साथ नॉर्मल से, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल, ये वाला। तो इसके पहले नियम से अब दिखाई पड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा, सब परेशान है, दिखाई नहीं पड़ रहा। चलिए अब दिखाई पड़ रहा है ना, चलिए रिफ्लेक्टिव रे हो गया, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल, यहाँ नॉर्मल हो गया। तो इस नियम से क्या होता है, इस नियम से कहता आपतन कोण मतलब कि आई, आपतन कोण का मतलब आई, बराबर परावर्तन कोण के मतलब आर के बराबर होते हैं, ठीक है, यही है पहला नियम। आई जो होता है सो आर के बराबर होता है, मेरे पास पहला नियम यही आया। अब क्या बोलते हैं कि ये पहला नियम था आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब, ये दर्पण हुआ, ये ध्यान रखिएगा, इसको परावर्तक सतह भी कहते हैं, परावर्तक सतह है ये वाला, इसमें ऐसे ऐसे खींचा गया है, लकीर जो खींचा गया है बता रहा है कि लाइट ई पार नहीं जाएगा, ये टकरा के लौट जाएगा किसी भी चीज पर, ऐसे करके अगर बगल हम खींच देते हैं तो पेंट कर दिए, ये दर्पण का चित्र होता है, और दर्पण में लाइट टकरा के आगे नहीं जा करके बल्कि वापस हो जाती है, पीछे की ओर मुड़ जाती है। तो वही हम दर्पण को लेकर के लाइट को गिराए, फिर परावर्तित किए, नॉर्मल हो गया, आई आर बन गया, और ये बोला था पहला नियम है कि आई जो होता है सो आर के बराबर होता है। अब आते परावर्तन के दूसरे नियम में, यहाँ तक समझ में आ गया सबको,
यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नियम नंबर दो में आते हैं, परावर्तन का दूसरा नियम। दूसरा नियम में कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, एक ही समतल कहने का मतलब है, एक ही समतल कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ ऐसे दीवार खड़ा किए, ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह का एक दीवार है, दीवार है। अब यहाँ पर हम यहाँ से लाइट मारेंगे, तो इस प्लेन पर लाइट मारे, ये लाइट यहाँ पर आया, तो इस तरह का एक सीधा लकीर खींचे में जिसमें 90 बनाएगा तो अभिलंब हो गया। उसके बाद इसको हम वापस भेजे परावर्तित किरण, ये था मेरे पास आपतित किरण इंसिडेंट रे, आईआर लिख देते हैं इसका, ठीक ना, आईआर था, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे था तो आरआर हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल हो गया। तीनों का पॉइंट जो होगा सो इसी बिंदु पर होगा और इसी समतल में होगा तीनों, और तीनों हमको ऐसे ही दिखेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर से मारे लाइट तो ये टकरा करके इधर जाने के बजाय इधर की ओर मुड़ जाए, ऐसे निकल जाए। लाइट जो होगा सो हमेशा का हमेशा एक ही समतल में प्लेन में होता है। एक और तरीका है इसको समझने का, अगर हम यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस लें, एक्स वाई और जेड एक्सिस अगर इस तरह से समतल में समझें और मिरर को वाई जेड प्लेन में रखें, ये मिरर हुआ दर्पण, इसको वाई जेड प्लेन में रखें और लाइट वाई प्लेन से, यहाँ पर वाई बिंदु है तो ये ऊपर का वाई जेड प्लेन है, तो हम यहाँ से लाइट मारते हैं वाई जेड प्लेन से ही, इस पर हम लाइट गिरा दें, तो वाई जेड प्लेन से जब लाइट गिराएंगे तो ये लाइट टकराने के बाद वाई जेड प्लेन में ही वापस जाएगा। जमीन पर लाइट मारिएगा तो जमीन से टकरा करके वो वापस आसमान में उसी तरह से जाएगा, या फिर जमीन से ऊपर की ओर उसी तरह से आएगा कि जैसे वो टकराया था। हमेशा ये कोण जो होगा ये कोण बराबर होगा, आई और आर जो होगा सो हमेशा बराबर होगा, तीनों एक ही समतल में होगा, ये पूरा का पूरा तीनों का तीनों एक्स जेड प्लेन में ही होगा, समतल में ही होगा, में ही होगा तीनों, इसको छोड़ के ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ये मेरा पास परावर्तन और परावर्तन के नियम है दो ठो, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परावर्तन का नियम कभी कभी आता है, ये वाला पूछता है मतलब कि अभी के एग्जाम जो बीच बीच में होगा उसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है सब। ठीक है, तो ये मेरे पास था दोनों नियम, आप लोग दोनों नियम को याद कर लीजिएगा, चित्र जरूर बनाइएगा, जब भी परावर्तन के नियम पूछेगा तो दोनों करके दोनों में चित्र हम बनाए हैं एक ठो, वो दोनों चित्र बना दीजिएगा। इसमें आप बना सकते हैं ये वाला चित्र वाई जेड प्लेन दिखा करके, ये इस तरह का खींच दीजिएगा और बीच में से नॉर्मल खड़ा कर दीजिएगा एन, इधर से ला रहे तो आई आर लिख दीजिएगा, इधर से ये जा रहा है तो आर आर लिख दीजिएगा नॉर्मल, और तीनों का तीनों एक्स जेड, एक्स और जेड, एक्स जेड से बना हुआ प्लेन है तो एक्स जेड प्लेन में ही होगा तीनों का तीनों। ठीक है, चलिए समझ में आ गया यहां तक। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब यहां से आते हैं हम लोग दर्पण में। दर्पण यूं तो बहुत तरह का होता है लेकिन हमको मेन रूप से तीन तरह का दर्पण पढ़ना रहता है, एक जो सीधा हो जो हम लोग घर में यूज करते हैं, दूसरा जो इस तरह का हो जो गाड़ी का बगल का जो लाइट होता है साइड मिरर उसमें होता है, और तीसरा जो इस तरह का यूज करते हैं, ये होता है जो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं अपने घर पे,
उस तरह का सेविंग दिया, सेविंग मिरर मांगिएगा कि दाढ़ी बनाने का दर्पण दिए तो एक अलग तरह का दर्पण देगा, वो ये दर्पण होगा। तो हम लोग के पास तीन तरह का दर्पण होता है मेनली, इसमें भी दो मेन होता है, इसका नाम है समतल दर्पण जबकि इसका नाम है गोलीय दर्पण, गोले गोले जैसा है इसे गोलीय दर्पण, इसका नाम है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह का, एक ये और एक ये, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण और इसको कहते हैं अवतल दर्पण। इसका नाम है कन्वेक्स, इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर, और इसको कनकेव मिरर, इसको कहते हैं प्लेन मिरर, इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। इतने तरह का मेन रूप से हमको यही पढ़ना है, इसी का अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन करके हम बहुत सारे अलग अलग तरह का मिरर बना सकते हैं, हमारी मर्जी पे है, लेकिन मेन रूप से हमको यही पढ़ना है इसमें। तो अब आते हैं पहले समतल दर्पण में। समतल दर्पण में क्या होता है, इसमें ध्यान रखिए ये सीधा होता है और इसमें लाइट को अगर हम सीधा गिराएंगे इस तरह से तो ये टकरा करके सीधा वापस आएगा। अगर आप घर पे आईना लीजिए और आईना में सीधा करके ऐसे लाइट मारिएगा, सीधा करके ऐसे लाइट मारिएगा, आईना है इसमें सीधा लाइट मारे टकरा के आईना सीधा आपके हाथ पर ही आएगा जहां पे आप छोड़िएगा, अगर सीधा मारिएगा तो ऐसा होता है समतल दर्पण में, लेकिन इन दोनों दर्पण में ऐसा नहीं होता है, इन दोनों दर्पण में ऐसा नहीं होता है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद अगला क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। समतल दर्पण खत्म हो गया, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, अगला क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। ओके, आज यहीं तक।